हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, ठीक है। और उससे पहले एक्सरसाइज 20A आपका कंप्लीट करके अपलोड कर दी गई है, उसके वीडियो के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो उनको भी आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको गिवन है कंडीशन, जो ए हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ द डायमीटर ऑफ, यानी वीट का जो शेप है वो किस शेप में, यानी ऊपर से गिरा रहे हैं अपन वीट को, तो वो किस शेप में बन रहा है, कॉन के फॉर्म में बन रहा है, जिसका डायमीटर कितना है 16.8। यानी डायमीटर 16.8 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास में, रेडियस आर इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.4 मीटर आ जाएगी। उसके बाद में आपको ये गिवन है कि हाइट h इक्वल टू 3.5 मीटर। फाइंड द इट्स वॉल्यूम एंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप, यानी इस हिप को ढकने के लिए कितने कवर की आपको, यानी कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखो, इसको मैं ढकूंगा तो नीचे वाला पोर्शन तो ज़मीन पे रखा हुआ है, तो ज़मीन पे तो नीचे वाला तो पोर्शन ढकने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ऊपर से आपको ढकना पड़ेगा। तो इसको क्या निकालना पड़ेगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉन, क्लियर, उतना ही क्लॉथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी हो जाएगी। उसके बाद में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम को, तो मैं वॉल्यूम के फाइंड आउट करता हूँ। पहला आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये कौन के शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितनी होती है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू आपको गिवन है 1/3। पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू 20 आपकी मर्जी है, तो मैं ले लेता हूँ 22/7। आर की वैल्यू 8.4 इंटू में 8.4 इंटू में 8.4, एच की वैल्यू है 3.5, इस 7 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा 0.5, इस 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा देखिए 2.8। सारी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपकी जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगी आपको 22 का मल्टीप्लाई 8.4 इंटू में 2.8 इंटू में 0.5, इन सब का आप मल्टीप्लाई किया तो 258.72 मीटर में वैल्यू है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी मीटर क्यूब, क्लियर बात। ये थी आपकी वॉल्यूम। सेकंड आपको क्या निकालना है कि आपको इस कवर, यानी कवर करने के लिए कितनी क्लॉथ की आवश्यकता पड़ी वो निकालना है, तो उसके लिए अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड क्लॉथ लिख दो, ठीक है, रिक्वायर्ड क्लॉथ इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, यानी किसकी इक्वल होगा, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस, क्योंकि नीचे तो ज़मीन पे रखा हुआ है तो ऊपर से ढकने की जरूरत है, तो क्या निकलेगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है कॉन का, पाई आर एल। अब देखो आर तो अपने पास में ये रहा, एल निकालना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं एल निकालूं तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, देखिए ध्यान से, एल की वैल्यू मैं जानता हूँ कि एल इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एच की वैल्यू कितनी है 3.15 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है 8.4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 35 है, 35 का स्क्वायर कितना 1225, तो 1225 को मैं 12.25 लिख सकता हूँ, और 8.4 का जो स्क्वायर है वो 8.4 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8.4 के साथ में, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 70.56। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इस इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 82.81, और इसका मैं रूट कर देता हूँ तो रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 9.1, ये आपकी सेलेंट हाइट एल की वैल्यू आ जाएगी। एल क्या, यहाँ पे सेलेंट हाइट है, ये होती है आपकी सेलेंट हाइट,
चलिए ये किस में थी आपकी, मीटर में। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 22 अपॉन 7 इंटू आर 8.4 इंटू 9.1 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, देखो 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 1.3, ठीक है। अब सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 22 का मल्टीप्लाई 1.3 इंटू 8.4 ये मल्टीप्लाई होके 240.24 मीटर एरिया था, तो मीटर स्क्वायर। इतने क्लोथ की आपको रिक्वायरमेंट होगी इस हिप को ढकने के लिए, जो आपका वेट है गेहूँ है यानी जो वेट का ढेर है उसको ढकने के लिए इतनी क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर आपको गिवन है कि फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ द कैनवास, ठीक है। कैनवास है इसको कॉनिकल टेंट, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 1.5 मीटर इन द विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट 48 मीटर इन द डायमीटर एंड 7 मीटर इन हाइट। यानी 48 डायमीटर और 7 मीटर हाई का एक टेंट है, उसको ढकने के लिए कितने कैनवास यानी कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको बताना है। क्लोथ लिख दो या कैनवास, तो कैनवास को अपन जो हिंदी में बोल सकते हैं त्रिपाल टाइप का जो होता है वो, ठीक है। और गिवन दैट 10% ऑफ कैनवास इज यूज इन द फोल्ड एंड स्ट्रेचिंग, यानी जितना एरिया होगा इस कैनवास का उसका 10% क्या किस में काम आ रहा है, फोल्डिंग, फोल्ड करने में, स्ट्रेचिंग टांके मारने में, ठीक है। एंड फाइंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर, यानी कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर इक्वल टू कितना है, 24 मीटर है। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, टोटल एरिया निकाल लो, टोटल एरिया, टोटल लेंथ निकाल लो जितनी लेंथ होगी, तो उस लेंथ को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इस कॉनिकल टेंट को पूरा ढकने के लिए जितने कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी वो कॉनिकल का कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास, उसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ, या फिर आप एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया अपन लास्ट में इसी लेंथ और ब्रिथ का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये एरिया किसके इक्वल होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है ना, इसके कवर्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। इसका एरिया मैं जानता हूँ क्या होता है, पाई आर एल। अब पाई एल ये आपकी ब्रिथ है और ये आपकी सेलेंट हाइट है, ठीक है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ कि आपको सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ ऑफ कैनवास इक्वल टू एक्स, ये इसकी विड्थ है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे एल आपकी क्या है, सेलेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट, क्लियर बात। अब देखो एल आ जाए, रेडियस अपने पास में है ही है, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करोगे तो एच की वैल्यू कितनी है, 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, आर की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर कितना 576। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625। और 625 का रूट ही कितना होता है, 25। ये किसकी वैल्यू आएगी, एल की, किसमें वैल्यू थी, मीटर के अंदर। तो आंसर भी आपके किस में आएगा, मीटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, एल के यहाँ पे सेलेंट हाइट, एक्स के आपको कैनवास की लेंथ है। पुट कर देता हूँ सारी वैल्यू, तो 22 अपॉन में 7 इंटू आर, आर कितना आपका 24 इंटू में 25। सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो देखिए कितनी वैल्यू आई, 22 का मल्टीप्लाई 24 के साथ में इंटू में 25, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 13,200 अपॉन में 7, मीटर में वैल्यू थी तो मीटर में इसको आ जाएगी वैल्यू। अब देखना, अब ये तो टोटल रिक्वायरमेंट होगी, जितना एरिया होगा उसका 10% किस में यूज हो रहा है, फोल्डिंग एंड स्ट्रेचिंग के अंदर। तो रिक्वायर्ड, तो इसको मैं लिख देता हूं कि कैनवास रिक्वायर्ड या फिर ऐसे लिख दो, 10% कैनवास
required for किसमें folding and किसमें stretching, ठीक है, किसका, इसका 10%। तो इसका मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा, इनटू में 10, परसेंटेज को उठाओगे नीचे कितना 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक जीरो हट जाएगा ना, 7 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया यानी इतनी रिक्वायरमेंट कैनवास की किस में लग रही है, फोल्डिंग और स्ट्रेचिंग के लिए। तो टोटल रिक्वायर्ड, टोटल रिक्वायर्ड कैनवास ये कितना हो जाएगा, ये एरिया आपका कैनवास का एरिया वो कितना हो जाएगा, देखो टोटल रिक्वायर्ड कैनवास, तो ये एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास तो ये था, तो टोटल रिक्वायर्ड कैनवास आपका हो जाएगा, इस वैल्यू के अंदर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना आएगा, अपॉन में 7 प्लस 13 20 अपॉन में 7, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आ रहा है, 7, और ये 13 200 प्लस 1320, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 0 2 5 4 1 अपॉन में 7, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी मीटर स्क्वायर के अंदर। क्लियर बात, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ऊपर से थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से देखना आप थोड़ी सी, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवास, ये किसका एरिया है, कैनवास का एरिया है, ये किसके इक्वल होगा आपका, ठीक है, मैं इस डायग्राम को इरप कर देता हूँ, देखना थोड़ा सा आप, तो कैनवास का एरिया कितना होगा, लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ इनटू विड्थ, ये कैनवास का एरिया है, और ये किसके इक्वल है, 14520 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू कितनी है एक्स, विड्थ की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर इक्वल टू 14520 अपॉन में 7, तो एक्स इक्वल टू 14520 अपॉन में, ये वैल्यू आ जाएगी, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू ये कितना 10.5 आ जाएगा, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, देखिए 14520 को डिवाइड करना है आपको 10.5 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1382.857 है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ 1382.8, ये 7 है, इसको उठाऊँगा तो इधर कितना 6, अब ये लेंथ थी और ये वैल्यू किस में आ गई, मीटर के अंदर आ गई, और आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर इक्वल टू कितना है 24, तो कॉस्ट ऑफ 1382.86 इक्वल टू मीटर, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1382.86 से, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी 24 का मल्टीप्लाई 1382.86 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 33,188.64 रुपीज़ में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। देखो आपको एक कॉनिकल टेंट था, उसको कवर करने के लिए आपको कैनवास की रिक्वायरमेंट थी, उस कैनवास की विड्थ आपको दे दी और लेंथ आपको ये थी, तो कैनवास किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होगा आपका, ठीक है। ये मान लीजिए कैनवास रेक्टेंगल शेप में, तो इसकी लेंथ को मैंने एक्स मान लिया और इसकी ब्रिथ आपको 1.5, तो इसका एरिया टोटल कैनवास के जो रिक्वायर्ड कैनवास के एरिया वो आ जाएगा। रिक्वायर्ड टोटल किया था आपका कॉनिकल टेन को कवर करने के लिए आपका जो एरिया होगा उस एरिया के प्लस फोल्डिंग और स्ट्रेचिंग की जो 10% वैल्यू है उस एरिया के टोटल एरिया आ जाएगा आपका। तो जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया है ये कवर सरफेस एरिया है, ये 10% की वैल्यू इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आपके कैनवास की एरिया की इक्वल आ जाएगी, वहाँ से आपकी लेंथ आ जाएगी और 1 मीटर लेंथ की वैल्यू कितनी है 24 रुपीज़ है,
तो आपको तो इतनी लेंथ की रुपी चाहिए, उसकी यानी 1 मीटर की वैल्यू ये है, तो 1382.86 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33,188.64 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर टेन के अंदर आपको गिवन जो कंडीशन है उसमें क्या है कि ए सॉलिड कॉन ऑफ द हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सॉलिड कॉन है, उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको रिकास्ट करके एक आइडेंटिकल यानी इससे आइडेंटिकल कौन बना जा रहे हैं, यानी आइडेंटिकल का मतलब एक समान कौन बना रहे हैं, जितने कौन बनेंगे उनको वो पूरा उनकी हाइट और उनका जो रेडियस है वो पूरा क्या होगा सेम। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है सेम। ठीक है, यानी इसी को रिकास्ट कर रहे हैं अपन इन छोटे छोटे कौन के अंदर, और वो क्या है आपके सेम कौन है। तो उन छोटे कौन की जो हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉन फॉर्म्ड, तो ये इस कॉन से ये कॉन कितने आपके फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ, ठीक है नंबर ऑफ इसमें आपको निकालने हैं फॉर्म्ड बाई कॉन। तो ये किस टाइप के आइडेंटिकल हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ आइडेंटिकल नाम से, आइडेंटिकल कॉन इक्वल टू इस पूरी वॉल्यूम में इस एक कॉन की वॉल्यूम का मैं डिवाइड कर दूं, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉन, सॉलिड लिख दो सॉलिड कॉन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन आइडेंटिकल कॉन। समझ में आओगे कि आपको क्या करना है कि इस पूरे सॉलिड कॉन की वॉल्यूम के अंदर मैं इसे एक आइडेंटिकल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल कौन आ जाएंगे कि इस टाइप के कौन कितने आपके बनेंगे। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ। वॉल्यूम कौन की क्या होती है 1/3 πr² h, यहाँ पे r की वैल्यू r1 है, h की वैल्यू 1 है, और नीचे वॉल्यूम सेम कौन है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ये r की वैल्यू r2 है, h की वैल्यू s2 है। तो देखो 1/3 से और पाई से तो ये दोनों कैंसिल आउट। R1 की वैल्यू कितनी है 6 और 6 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू कितनी है 8, नीचे कितना है R2, R2 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 × 1/2 × H2 की वैल्यू कितनी है 2, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट और ये चला जाएगा ऊपर, तो 36 यानी 6 का स्क्वायर कितना 36 × 8 × 2। इन सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना 88, और 88 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 288, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 288, 288 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 फिर 7 और फिर 2 4 4 एक 5 कितना 576 आपके टोटल आइडेंटिकल कौन आ जाएंगे इससे रिकास्ट करने के बाद में। ठीक है, यानी इससे सॉलिड इसी सॉलिड कौन से आइडेंटिकल कौन कितने मिलेंगे आपको 576 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 576। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। आपको एक राइट सर्कुलर कॉन दिया हुआ है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 90 πcm² भी आपको गिवन है, एंड द सेलेंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इज 90 πcm। कैलकुलेट द रेडियस इन सेंटीमीटर एंड इट्स द वॉल्यूम इन द सेंटीमीटर क्यूब एंड टेक पाई इक्वल टू 3.14 आपको लेनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, और रेडियस निकालनी है। तो इसकी मैं रेडियस निकालूँ तो आपको जो गिवन कंडीशन है उसी का यूज करता हूँ। सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना है आपका 90 πcm². क्लियर बात। अब इसका एरिया मैं जानता हूँ क्या कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर इक्वल टू 90 π, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर इंटू एल की वैल्यू कितनी है 13 प्लस आर इक्वल टू 90। अब देखो इस आर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90।
यहाँ से मैं आर को इधर लेके आऊँ, इधर नहीं, ए प्लस बी को बी प्लस ए ले सकता हूँ, तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर, ये 19 इधर आएगा तो नेगेटिव इक्वल टू में 0। अब ये क्या मिली आपको, आर वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पूरा चैप्टर कर लिया अपन ने, ठीक है, और उस चैप्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसको देख लिए, ठीक है, वहाँ पे तीन तीन मेथड आप यूज़ कर चुके हो, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर इक्वल टू इस 13 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई कितना हो -90, और इसको ऐड करूँ तो कितना है 13 का, तो 18 आर में मैं -5 आर कर दूँ तो 90 आपका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना, देखो 18 - 5 कितना 13 हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 90 हो रहा है। यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालिए, तो आर में यहाँ से कॉमन निकालूँ तो आर प्लस 18, यहाँ से -5 कॉमन निकालूँ तो आर प्लस में 18 इक्वल टू में 0। अब यहाँ और यहाँ से कॉमन निकालिए, तो यहाँ से कॉमन और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका आर प्लस 18, रिमेनिंग वैल्यू कितनी आर माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों में से एक 0 हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर आर माइनस 5 0 होगा। यदि ये 0 है तो आर की वैल्यू कितनी माइनस का 18, और यदि ये 0 है तो ये आर की वैल्यू कितनी प्लस का 5। अब आर क्या थी, रेडियस थी, रेडियस किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, और लेंथ कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये केस तो नॉट पॉसिबल है ना, लिख देना नॉट पॉसिबल, और दिस केस पॉसिबल, तो सेंटीमीटर में वैल्यू थी तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, क्लियर बात। तो ये था आपका फर्स्ट का। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम के लिए आपको सेलेंट यानी वो हाइट चाहिए कौन की, तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा सेलेंट हाइट का फॉर्मूला, या फिर लिख दीजिए सेलेंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको तो एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ, एल की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर करूँगा तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 5 ये इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 25, माइनस करोगे 25 को 169 में से तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना 12। एस क्या थी, हाइट किस में आएगी सेंटीमीटर में, आपकी वैल्यू गिवन है तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। अब आपको सेकंड के अंदर जो फाइंड आउट करना है वो थी आपकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है 1/3, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये तो आपकी 1/3, पाई की वैल्यू आपको बोला हुआ है कि कितनी लेनी है 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू कितनी है 5 है, इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 4, 12, ठीक है। अब इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो वैल्यू कितनी 4 3.14 मल्टीप्लाई ये कितना 25 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगा तो कितना आ गया 100, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 314 किसमें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको रेडियस, आपकी रेडियस थी, और ये इस क्वेश्चन के अंदर आपकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ के अंदर आपको गिवन है कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल सॉलिड इज 38.5 सेंटीमीटर, यानी जो कॉनिकल आपको सॉलिड दिया हुआ है उस कॉनिकल सॉलिड का जो बेस है आपको उसका एरिया कितना है आपका 38.5। अब जो कॉनिकल बेस का जो कॉनिकल है आपका जो सॉलिड है उसका बेस किस टाइप का है, सर्किल के टाइप का है, तो एरिया किसका लगेगा सर्किल का एरिया लगेगा। उसके बाद में आपको गिवन है कि इट्स वॉल्यूम इज 154 सेंटीमीटर एंड फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी क्या निकालना है आपको इस सॉलिड का कवर्ड सरफेस एरिया। अब देखो कवर्ड सरफेस एरिया में निकालूं तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल ही होगा, तो यहाँ से आपको क्या चाहिए एल की वैल्यू, आर की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको गिवन है, एक तो वॉल्यूम की। तो देखो वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक चीज़ तो आ जाएगी अपने पास, ठीक है, क्योंकि L कब आएगी जब H और R आ जाए तब आ जाएगी। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर मैं अप्लाई करूं तो वॉल्यूम
ऑफ कौन इक्वल टू कितना आपका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 154। अब देखिए ध्यान से इस पूरे की वैल्यू कितनी है ये, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1/3 इंटू में 38.5 इंटू में एच इक्वल टू 154। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, एच क्या है यहाँ पे हाइट है ठीक है, तो ये हाइट आपकी, तो एच इक्वल टू 154 इंटू में ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू इधर आएगी तो नीचे आएगी 138.5। इसे मैं डिवाइड करूँगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट कर लेना इसको कितनी वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। ये एच की वैल्यू आ गई ठीक है। अब मेरे पास में आर और आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि आर भी चाहिए आपको ठीक है। तो आर और एच आने के बाद एल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का बेस यानी सर्किल के एरिया के इक्वल टू इसी की वैल्यू कितनी है 38.5। आर की वैल्यू चाहिए तो आर इक्वल टू 38.5 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22 और जो अपॉन 7 ये इधर मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 38.5 इंटू में 7, इसको डिवाइड करना है 22 से तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई आर स्क्वायर इक्वल टू 12.5। अब देखो 1225 किसका स्क्वायर होता है 35 का, तो इसका रूट निकालूं मैं तो आर की वैल्यू रूट ऑफ 12.25 की वैल्यू कितनी आएगी 3.5, ये आपके आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ठीक है कितनी सेंटीमीटर में। तो अब मैं सेलेंट हाइट की वैल्यू निकालूं तो सेलेंट हाइट एल इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 12.25, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी 144 को मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी 156.25 ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी एल की वो आ जाएगी, इसका रूट कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ये सेलेंट हाइट की वैल्यू, आपको कवर्ड सरफेस एरिया चाहिए था तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल सॉलिड तो कितना आएगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू आर कितना आपका 3.5 इंटू एल की वैल्यू 12.5, इससे मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 0.5 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110, तो 11 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से इंटू में 12.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी 687 ठीक है ना। एक मिनट, ये 22 का मल्टीप्लाई 0.5 इंटू में 12.5, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 था ठीक है ना, इसको देख लेना आप लगभग इसी के समथिंग आ रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 12 ठीक है, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लेना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन इज द फिल विद द वाटर टू द ब्रिम, यानी आपको एक वेसल दिया हुआ है किस शेप के अंदर, कॉन के शेप के अंदर, और उसमें क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है आपका वाटर। तो इस वाटर की मैं वॉल्यूम निकालूँ तो वो कौन की वॉल्यूम के इक्वल होगा ठीक है। फिर आपको ये दिया हुआ है कि इट द हाइट ऑफ द 32 सेंटीमीटर एंड
डायमीटर ऑफ द बेस 25.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड 6 इक्वल सॉलिड कॉन आर ड्रॉप इन इट। यानी इसमें अपन क्या कर रहे हैं, 60 कौन इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ड्रॉप कर रहे हैं। अब ड्रॉप करेंगे तो पानी तो बाहर आएगा, अब वो पानी कितना बाहर आएगा वो देखिए। सो दैट दे आर फुली सबमर्ज एज द रिजल्ट 1/4 ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल कोन। यानी इसके अंदर जितना कोन के अंदर आपका जो वाटर भरा हुआ था और मैंने ये छोटे छोटे कोन सेम यानी इक्वल कोन इसमें पूरे डाल दिए और इसमें मर्ज हो गए पूरे, तो जो वाटर आपका बाहर आएगा वो पूरी वॉल्यूम का 1/4 वाटर आपका बाहर आएगा। वॉट द वॉल्यूम ऑफ द ईच ऑफ द, आपको ये दिया हुआ है कि वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द ईच ऑफ द सॉलिड कॉन सबमर्ज। यानी इसमें आपने जो डुबाया है उसमें एक कॉन की वॉल्यूम कितनी, यानी इस कॉन की आपको वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना समझना, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उस पानी की यानी उस वॉटर की जो वॉल्यूम आपकी वो इस कॉन की वॉल्यूम यानी इस वेसल की वॉल्यूम के बराबर आ जाएगी। उसमें मैंने एक कॉन यानी इसको ड्रॉप किए, वो कितने कॉन है, 6 कॉन है, ये छोटे छोटे कॉन आपके कितने हैं, 6। ड्रॉप करने के बाद में इस ओरिजिन वॉल्यूम से यानी ओरिजिन वाटर में से 1/4 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो जो 1/4 वाटर आपका बाहर आया है वो इन 6 कॉन की इक्वली तो होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वेसल, और ये जो वेसल किस टाइप का है, कॉन का है, तो कॉन की वॉल्यूम आपकी यहाँ से लग जाएगी। तो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर, आर देखो कितना है, इसको लिख सकता हूँ ना मैं 25.2/2, डी है तो आर की वैल्यू 25.2/2 आ जाएगा, इंटू में 25.2/2 मल्टीप्लाई 32, 4 से मैं डिवाइड करूंगा कितना, 8, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, अब देखिए 22 का मल्टीप्लाई 25.2 इंटू 25.2 इंटू 8 ये आ जाएगा आपका, और डिवाइड कर दो 21 से तो वैल्यू आपकी आएगी 5.3224, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये आपकी किस में, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब अगले ने ये बोला है इनकी मैं वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम ऑफ 6 इक्वल सॉलिड कॉन इक्वल टू कितना वाटर फ्लो हो रहा है, 1/4 इंटू देखो यहाँ पे 1/4 वाटर इन द ओरिजिनल कॉन ओवर फ्लो, तो 1/4 वाटर आपका ओवर फ्लो हो रहा है किस वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस वॉल्यूम से है ना, वॉल्यूम ऑफ वेसल या वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर कर दो इन वेसल, वेसल में से, ये था आपका। अब मैं इसकी वॉल्यूम निकालूं, तो 1/4 इंटू 5.322.4 इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइडेड बाय 4 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.356। ये कितने कौन की वॉल्यूम है, 6 की, तो आपको तो निकालनी है 1 की, तो वॉल्यूम ऑफ 1 सॉलिड कौन इक्वल टू 3.56/6, 6 से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो डिवाइडेड बाय 6 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 22.76 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी आपकी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपकी वैल्यू थी। ठीक है, इसको आप देख लेना कितनी वैल्यू आ रही है, आंसर के अंदर मैच करवा लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगी, चेक कर लेना आप।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टेंट इज द 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी ये कॉनिकल टेंट है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 1232, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये गिवन चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, कौन की हाइट आपको पहले से बताई हुई है इंट्रोडक्शन के अंदर, रेडियस आपकी एल है, आर है, इसकी सेलेंट हाइट एल होती है। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज द 154, यानी इसके जो बेस का एरिया कितना है 154, एंड कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द, फर्स्ट आपको रेडियस निकालनी है, हाइट निकालनी है, लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड द कवर दिस कॉनिकल टेंट इट इफ इट द विड्थ इज 2 मीटर। ठीक है, यानी क्या निकालनी है, सबसे पहले रेडियस, फिर अपन थर्ड की बात करें, से फर्स्ट और सेकंड निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी है, तो एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ द बेस फ्लोर कितना है 154। अब एरिया बेस में जो है उसका एरिया कितना, सर्किल के शेप में, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 154 अपॉन में पाई, और पाई को क्या लिख सकता हूँ मैं 22 अपॉन में 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 154 इंटू में 7 अपॉन में 22, ये इसे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 49, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, किसमें वैल्यू थी आपकी मीटर के अंदर, तो वैल्यू किसमें आ जाएगी आर की मीटर के अंदर। ये था आपका फर्स्ट। सेकंड के अंदर आपको हाइट निकालनी है, हाइट के लिए वॉल्यूम आपको दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टेंट कितनी है 1232, इसकी वॉल्यूम निकालूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1232, आर एच निकालना आपको, तो 1232 ये 3 इधर डिवाइडेड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन 7, आर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इनटू में 49, ये वाली वैल्यू इसे कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना 7, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल देता हूँ। देखिए 1232 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू में 7, इससे मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 1232 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये लीजिए। ठीक है, और डिवाइड करना है आपको 22 से, और फिर डिवाइड करना है आपको 7 से, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 सेंटीमीटर। अब h की वैल्यू आ गई, और आपको लास्ट के अंदर लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ इट इज़ द विथ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस कॉनिकल टेंट का क्या चाहिए, इसको ढकने के लिए कवर चाहिए, तो इसका जो कवर सरफेस एरिया होगा वो निकालना पड़ेगा, तो कवर सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, सेलेंट हाइट चाहिए, तो इस सेलेंट हाइट की वैल्यू निकालो, तो सेलेंट हाइट की वैल्यू क्या होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल इक्वल टू एच, एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 157 प्लस 576 प्लस में 49, तो L की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ रही, देखिए 625, तो L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ये आपकी सेलेंट हाइट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात। अब सेलेंट हाइट की वैल्यू ये है, तो इसको ढकने के लिए आपको कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जो कैनवास है वो कितना चौड़ा, सपोज ये आपके कैनवास है, ठीक है ना, रेक्टेंगल शेप में होता है, ये कैनवास की विड्थ हो गई और ये कैनवास की आपकी लेंथ हो जाएगी एल, तो एरिया ऑफ कैनवास ये ढकने के लिए इसका यूज कर रहे हैं अपन, तो इसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, इस टेंट के कवर्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा।
एरिया ऑफ कैनवास लेंथ इनटू विड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट कितना होगा, पाई आर एल, ये आपकी थर्ड है। लेंथ आपको निकालनी है इनटू विड्थ कितनी, टू, पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी 7, एल की वैल्यू कितनी 25, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 550 ये आ जाएगी। यहाँ से मुझे लेंथ निकालनी है तो लेंथ ये 2 है अपॉन में जाएगा ये लीजिए, तो लेंथ इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 215 7 और 5 275 मीटर आपकी इस कैनवास की लेंथ यहाँ पे हो जाएगी। यानी जो कैनवास इस कॉनिकल टेंट को ढकने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं उस कॉनिकल लेंथ कितनी, यानी उस कैनवास की लेंथ कितनी होगी 275 मीटर आपकी लेंथ हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 20B भी कम्प्लीट है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 20C के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक।